हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल होमस्टडी आईक्यू पे। आज की हमारा जो टॉपिक है वो है हीट। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बटन के राइट साइड पर जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस बेल आइकन के प्रेस करने की वजह से आप लोगों को हमारे चैनल से रिलेटेड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियोज़ की जो अपडेट है वो आपको घर बैठे मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आप लोग उन्हें हमारी पुरानी जीके एंड जीएस एंड साइंस वीडियोस नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइएगा, और वहाँ पे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको हमारी चैनल के रिलेटेड बहुत सारी जीके एंड जीएस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की जो हमारा पहला सवाल है, देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट जो सवाल है, हु इन्वेंटेड द सेंटीग्रेड स्केल। सो किसने सेंटीग्रेड स्केल का इन्वेंट किया सबसे पहले, उसका नाम क्या है। लेकिन आंसर ये मैंने लिखा है यहाँ पर, एंड्रीज सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है नंबर टू। ओके, नेक्स्ट सवाल है नंबर टू, हु इन्वेंटेड द फ़ारेनहाइट स्केल। किसने फ़ारेनहाइट स्केल का इन्वेंट किया था, उसका नाम क्या है, डी जी फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है नंबर थ्री, एट विच टेम्परेचर बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैज़ द सेम वैल्यू। सो इसका हिंदी मतलब क्या है, कौन सी टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल की जो वैल्यू है वो सेम होगा। इसका आंसर क्या देखते हैं, -40°C। नेक्स्ट है नंबर फोर। नंबर फोर यहाँ पर है लिखा है, हु डेवलप द अर्लीस्ट थर्मोमीटर। किसने अर्लीस्ट थर्मोमीटर इन्वेंट किया, डेवलप किया था, उसका नाम क्या है, गैलीलियो। नेक्स्ट है नंबर फाइव। नंबर फाइव क्या है यहाँ पर, व्हाट इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ 0°C ऑन द केल्विन स्केल। केल्विन 0°C का करेक्ट वैल्यू क्या होगा केल्विन स्केल में। इसका आंसर है नंबर फाइव, इसका आंसर है 273.15 केल्विन। ठीक है, कभी कभी ये 273 भी होगा तो वो भी राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर है नंबर सिक्स, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सेवन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का यूनिट क्या है, कैलोरी पर ग्राम। नंबर एट यहाँ पर है, नंबर एट, व्हिच हैज़ द ग्रेटेस्ट स्पेसिफिक हीट। किसका स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होता है, इसका आंसर है वाटर। नेक्स्ट है नंबर नाइन, व्हिच पार्ट ऑफ द ग्लेशियर्स ऑलवेज मेल्ट फास्ट। सो ग्लेशियर का कौन सा पार्ट सबसे पहले पिघलता है, इसका आंसर है बॉटम। ठीक है, बॉटम का जो ग्लेशियर का जो बॉटम होता है वो सबसे पहले पिघल जाता है, इसके कारण है प्रेशर। ग्लेशियर का जो प्रेशर है वो बॉटम पे सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए बॉटम का जो बर्फ होता है वो सबसे पहले पिघल जाता है। नंबर टेन है, व्हिच कलर इज़ रिफ्लेक्टेड द हीट। सो कौन सा कलर हीट को रिफ्लेक्ट करता है, इसका आंसर है वाइट। वाइट कलर हीट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से अगर गर्मी में समर में ज़्यादा, अगर समर में अगर व्हाइट कलर की ड्रेस पहना जाए तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि वो हीट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है और बॉडी ज़्यादा बहुत जल्दी हीट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर इलेवन। नंबर इलेवन है, इसका देख लेते हैं क्या है, व्हिच कलर इज़ एब्जॉर्ब द हीट। कौन सा कलर हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है कौन सा कलर, ब्लैक कलर। ठीक है, इसीलिए विंटर के सीज़न में ब्लैक कलर की ड्रेस बहुत ही कंफर्टेबल होगा, क्योंकि बहुत जल्दी वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने से वजह से कि बहुत जल्दी बॉडी गर्म हो जाए, गर्म होगा, और ये विंटर सीजन में बहुत ही कंफर्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर है नंबर ट्वेल्व। नंबर ट्वेल्व है, व्हाई डज द वाटर इज़ यूज इन हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग में वाटर क्यों यूज़ होता है, हॉट वाटर बैग में वाटर यूज़ होने के कारण क्या है, यहाँ पर आंसर है, बिकॉज इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा है, मैं इसका मतलब यही है यहाँ पर, जो स्पेसिफिक हीट का मतलब यही है कि ये जो वाटर है ये बहुत ज़्यादा देर तक हीट को एब्जर्व करके रख सकता है। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता, इसीलिए इसका हॉट वाटर बैग में इसमें वाटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नंबर थर्टीन। नंबर थर्टीन है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कौन से इंस्ट्रूमेंट के मदद से मेज़र किया जाता है ह्यूमिडिटी को,
इसका आंसर है हाइग्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 14, इज द प्रिंसिपल बाय व्हिच कूलिंग सिस्टम इन ए मोटर कार वर्क्स। सो मोटर कार का कूलिंग सिस्टम कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इसका आंसर क्या होगा, कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन की वजह से मोटर कार की जो कूलिंग सिस्टम वो काम करता है। नेक्स्ट है नंबर 15, नंबर 15 देखते क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नंबर 15 है, रिलेशन बिटवीन द कलर एंड द टेम्परेचर ऑफ अ स्टार इज गिवन बाय व्हिच लॉ। एक स्टार का कलर एंड टेम्परेचर रिलेटेड जो रिलेशन है वो कौन सी लॉ से लिया गया है, कौन सी लॉ से, देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या है इसका, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सिक्सटीन है, व्हिच इज द फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर की सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस क्या है, इसका आंसर है देखते हैं क्या, रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पर थ्री टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर प्रोसेस है, फर्स्ट है कंडक्शन, नेक्स्ट है कन्वेक्शन और थर्ड है रेडिएशन। रेडिएशन प्रोसेस में सबसे जल्दी हीट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है नंबर सेवेंटीन है, व्हाट वुड बी द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल कंडक्टर। एक आइडियल कंडक्टर का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर एटीन, वन ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स्ड विथ 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज। तो इसका हिंदी मतलब क्या है, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक 1 ग्राम ऑफ आइस को एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को जीरो डिग्री सेंटीग्रेड में है उसे मिक्स किया जाता है 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसमें अगर क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगी। ठीक है, मिक्सचर का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और नेक्स्ट है नंबर नाइनटीन क्या है देखते हैं, व्हाई डज द बॉटम ऑफ ए लेक नॉट फ्रीज इन सीवियर विंटर इवन व्हेन द सरफेस इज ऑल फ्रोजन। सीवियर विंटर में लेक का जो बॉटम का जो पानी होता है वो फ्रीज नहीं होता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है द कंडक्टिविटी ऑफ आइस इज लो, क्योंकि आइस का कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है, इसीलिए लेक का जो ऊपर की तरफ का जो पानी होता है, टॉप लेवल का पानी है, वो बहुत जल्दी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, बट जो नीचे का है वो नहीं हो पाता, और इसी वजह से जो लेक का ऊपर बर्फ हो जाता है और नीचे के पानी में जो मछलियाँ और बहुत सारी टाइप के जो मैमल्स होता है वो बहुत आसानी से जिंदा रह पाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है नंबर 20, ए कुक पॉट इज कोटेड ब्लैक बिकॉज, एक कुकिंग पॉट को ब्लैक करने की वजह क्या है, इसका रीज़न मैंने पहले बताया, क्योंकि ब्लैक कलर बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसका आंसर है ब्लैक सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब मोर हीट। नेक्स्ट है नंबर 21, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है देखते क्या है, यहाँ पर है आंसर है द एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड। ठीक है, ये 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने में जितना एनर्जी की ज़रूरत होता है उसे स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर ट्वेंटी टू है, विच फॉर्म ऑफ वाटर एक्सटिंग्विश फायर मोर क्विकली। कौन सी टाइप का वाटर और कौन सी फॉर्म का वाटर का कौन सी फॉर्म है जो आग बुझाने में सबसे फास्ट होता है, बहुत क्विकली आग को बुझा सकता है, वो है बॉइलिंग वाटर। ठीक है, नॉर्मल वाटर से बॉइलिंग वाटर से क्या होगा, बहुत फास्ट आग एक्सटिंग्विश कर सकते हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 23, व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग गैस इनटू लिक्विड। गैस को लिक्विड में कन्वर्ज करने की जो प्रोसेस है इसे क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 24, व्हेन ए गैस इज बिहेव लाइक एन आइडियल गैस मोर क्लोजली। कब एक गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना लगता है, इसका कंडीशन क्या है, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, मतलब लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर में कोई भी गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। आइडियल गैस की तरह मतलब जो चार्ल्स एंड बॉयल्स का लॉ फॉलो करता है उसे आइडियल गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है 25,
25 क्या देखते हैं. व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहा जाता है? रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब. जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब किया जाता है उसे एंडोथर्मिक कहा जाता है, और इसका जो ऑपोजिट को एक्सोथर्मिक कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है नंबर 26. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट कॉल्ड. जिस प्रोसेस से सॉलिड स्टेट को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम है सबलिमेशन. सबलिमेशन कहा जाता है. नेक्स्ट है नंबर 27. देखते क्या है. ए मेटल शीट विथ सर्कुलर होल इज हीटेड द होल व्हील. इसका मतलब है अगर किसी मेटल शीट में एक होल होगा और उसे अगर गर्म किया जाता है तो होल का क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर है एक्सपांड. होल जो है वो जो उसका आकार है वो बड़ा हो जाएगा, एक्सपांड होगा. ठीक है. नेक्स्ट है नंबर 28. नंबर 28 देखते क्या है यहाँ पर. व्हेन लेक स्टार्ट फ्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ द आइस विल स्टार्ट फर्स्ट व्हेन व्हिच पार्ट ऑफ द लेक. सो इसमें क्या कहा है? व्हेन लेक स्टार्ट फ्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ द आइस विल स्टार्ट फर्स्ट व्हिच पार्ट ऑफ द लेक. मतलब एक लेक में जब बर्फ जमना स्टार्ट होता है, फ्रीजिंग स्टार्ट होता है, तो लेक का कौन सा पार्ट सबसे पहले जम जाता है? टॉप, जो ऊपर की भाग है वो सबसे पहले फ्रीजिंग होना स्टार्ट होता है, और नीचे के भाग से लास्ट में. ठीक है. नेक्स्ट है नंबर 29. कैलोरीमीटर्स आर जनरली मेड ऑफ व्हिच मेटल. कैलोरीमीटर्स कौन सी मेटल से बनता है कैलोरीमीटर? इसका आंसर देखते गए कॉपर. नेक्स्ट है नंबर 30. व्हिच डिवाइस इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर. वेरी हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? वो है पायरोमीटर. पायरोमीटर डिवाइस से हम बहुत ही हाई टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट है नंबर 31. व्हेन एयर इज सैचुरेटेड इट कैन नॉट होल्ड. मतलब एयर जब सैचुरेटेड होता है तब ये क्या होल्ड नहीं कर सकता है. इसका मतलब सैचुरेटेड का मतलब क्या है देखते हैं. सैचुरेटेड मतलब है जब कोई एयर में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब तब उसे सैचुरेटेड एयर कहा जाता है. और इस सैचुरेटेड एयर में क्या होगा, जब अगर एयर सैचुरेटेड होगा तो ज़्यादा वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. तो इसका आंसर भी ऐसा ही है, एयर सैचुरेटेड है तो इसका आंसर है मोर वाटर वेपर. मतलब मोर वाटर वेपर ये कंज्यूम नहीं कर सकता. ठीक है. यही है हमारे लास्ट क्वेश्चन. ठीक है दोस्तों, आपको आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा. अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. अगर कोई इस वीडियो रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, और किसी नए वीडियोज़ के बारे में अगर नया वीडियोज़ अपलोड करना है हम लोगों को, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा. ठीक है. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.